गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष सर है। आई एम लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आप सभी का एमई 303 के चैप्टर एयर पंप्स एंड कूलिंग टावर की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने हमारे जो सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स हैं लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पंप्स, उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ कूलिंग टावर एंड टाइप्स ऑफ एयर पंप, जिसमें हमने वेट एयर पंप, ड्राई एयर पंप को डिस्कशन कर लिया, और कूलिंग टावर्स में भी हमने कूलिंग टावर के टाइप्स को पढ़ लिया। आज हम कूलिंग टावर के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेट कूलिंग टावर के बारे में देखा था कि वेट कूलिंग टावर कैसे कार्य करता है। वेट कूलिंग टावर इवोपरेटिंग कूलिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये इवोपरेटिंग कूलिंग क्या होती है इसको हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके अलावा हमने इसके अंदर देखा था कि वेट कूलिंग टावर के स्ट्रक्चर को भी डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे कूलिंग टावर के असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ कूलिंग टावर, इसमें क्या क्या टर्मोलॉजी यूज होती है उसको देखेंगे। एक कूलिंग टावर इज स्पेसिफाइड बाई अप्रोच, रेंज एंड कूलिंग एफिशिएंसी। किसी भी कूलिंग टावर को आपको स्पेसिफाई करना होता है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसकी अप्रोच से, उसकी रेंज से, या उसकी कूलिंग एफिशिएंसी से। हम वन बाई वन देखेंगे कि अप्रोच क्या होती है, रेंज क्या होती है, कूलिंग एफिशिएंसी क्या होती है। दीज आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ द कूलिंग टावर। ये जो मैंने आपको बताया अप्रोच, रेंज और कूलिंग एफिशिएंसी, ये किसी भी कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस पैरामीटर कहलाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज या कूलिंग रेंज, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग वाटर, इनकमिंग वार्म वाटर एंड एग्जिटिंग कूलिंग कूल्ड वाटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी कूलिंग टावर में टॉप पार्ट से आपका वार्म वाटर एंटर करता है जो कंडेंसर से बाहर निकलता है और इसमें कूलिंग टावर में एंटर करता है। अब हम ये देखेंगे जो हॉट वाटर जो एंटर कर रहा है और यहाँ से जब कूलिंग टावर के नीचे से बॉटम पार्ट से वो हॉट वाटर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो ये जो इनलेट वाटर है, जो हॉट वाटर इनलेट है और जो कोल्ड वाटर जो एग्जिट कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम रेंज कहते हैं या कूलिंग रेंज कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बना, टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग वार्म वाटर माइनस एग्जिटिंग कूल वाटर। तो रेंज आर हो गया TC1 माइनस TC2। यदि मैं इसको हॉट वाटर इनलेट को TC1 का नाम दे दूं और कोल्ड वाटर को जो हमारा कोल्ड वाटर आउटलेट है उसको TC2 नाम दे दूं, तो रेंज का रेंज क्या हुई, रेंज इज इक्वल टू TC1 माइनस TC2। मतलब टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग वार्म वाटर माइनस एग्जिटिंग कूल वाटर, ठीक है। इट इज़ अ रेंज बाई विच वार्म वाटर फ्रॉम द कंडेंसर इज कूल्ड। जो वार्म वाटर कंडेंसर से निकलता है उस वार्म वाटर को कितना कूल किया जाता है इसको हम रेंज से जज करते हैं। अब ये रेंज वेरी कैसे करती है, ये 6 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रेंज होती है। अब आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि कूलिंग टावर है, यदि उसकी रेंज हाई है तो वो कैसा कूलिंग टावर होगा, वो गुड कूलिंग टावर कहलाएगा। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि जो भी हॉट वाटर एंटर कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कूल होकर बाहर निकल सके। ए हाई रेंज मीन्स दैट द कूलिंग टावर हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस द वाटर टेम्परेचर इफेक्टिवली एंड इज दस परफॉर्मिंग वेल। कहने का मतलब है यदि किसी भी कूलिंग टावर की रेंज हाई है उसका मतलब है कि वो कूलिंग टावर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के टेम्परेचर को इफेक्टिवली रिड्यूस कर पा रहा है, जिससे कि उस कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी। अब आते हैं हम अप्रोच के ऊपर। अप्रोच को समझने से पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हर एयर का एक वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। तो हम किसी भी वाटर को कितना ज़्यादा कूल कर सकते हैं वो डिसाइड होगा उस एयर के वेट बल्ब टेम्परेचर से। हम वेट बल्ब टेम्परेचर से नीचे उस वाटर को कूल नहीं कर सकते क्योंकि उस टेम्परेचर पे हमारी एयर 100% सेचुरेटेड हो जाएगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो TC1 है वो तो कूलिंग वाटर इनलेट है, मतलब आपका जो हॉट वाटर टेम्परेचर है वो जो इन कर रहा है वो है। यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर टेम्परेचर है ये रहा, और लास्ट जो है वेट बल्ब टेम्परेचर है। यदि ये हम इस कोल्ड वाटर जो वाटर कूलिंग टावर से बाहर निकल रहा है उस वाटर को हम मिनिमम कहाँ तक ठंडा कर सकते हैं, इस वेट बल्ब टेम्परेचर से। तो अप्रोच क्या कहलाती है, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग टावर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर। इसका मतलब ये है कि
आप यदि उस कूलिंग टावर से जो वाटर निकल रहा है उसको मैक्सिमम इस वेट बल्ब टेम्परेचर तक ठंडा कर सकते थे, और यदि नहीं कर पाए तो वो जो अंतर है ना वो अप्रोच कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ये तो आपका रेंज था और ये अप्रोच था। इसको इसी तरह डायग्राम से आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। अब आप देखिए, एज वार्म वाटर फ्रॉम द कंडेंसर एंटर द कूलिंग टावर एट टेम्परेचर TC1 एंड इज कूल्ड टू द टेम्परेचर TC2। यदि हम वार्म वाटर कंडेंसर में एंटर करता है, यहाँ से कंडेंसर में कूलिंग टावर में एंटर करता है यहाँ पर वो उसका टेम्परेचर TC1 है और उसको यदि TC2 टेम्परेचर तक कूल किया जाता है, एज द TC2 इज हायर देन द मिनिमम वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो TC2 टेम्परेचर है ये वेट बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। द वेट बल्ब टेम्परेचर TWH, और यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर का हमने TWH बताया, एंड दिस इज अनअटेबल अटेनेबल टेम्परेचर डिफरेंस इज द अप्रोच। जो वाटर कूलिंग टावर से बाहर निकलता है उसका टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो अंतर है वो अप्रोच कहलाता है। इसका कहने का मतलब है इतने टेम्परेचर डिफरेंस को हम अटेन नहीं कर पाए और वही अंतर अप्रोच कहलाता है। ये कितना अप्रोच वेरी करती है, 6 डिग्री से 8 डिग्री तक। अप्रोच का फॉर्मूला बनेगा TC2 - TWH, ठीक है। अब अप्रोच एक बेटर इंडिकेटर माना जाता है कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। हमने रेंज पढ़ा, उसके बाद अप्रोच पढ़ा, तो अप्रोच एक बेटर ऑप्शन इंडिकेटर माना जाता है कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस को। अब आपको मैंने बताया, रेंज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कूलिंग टावर अच्छा होगा, पर इसके अपोजिट जितनी कम अप्रोच होगी उतना ही आपका कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कूल वाटर उसको आपके वाटर को कूल कर पाएगा। इसका आप ये याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो अपने आप अप्रोच कम से कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं कूलिंग एफिशिएंसी को। कूलिंग एफिशिएंसी क्या होता है? कूलिंग एफिशिएंसी इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल कूलिंग ऑफ वाटर टू द मैक्सिमम कूलिंग पॉसिबल। अब आप देखिए, एक्चुअल कितनी आपकी कूलिंग हुई? एक्चुअल कूलिंग हुई TC1 - TC2, ये आपकी एक्चुअल कूलिंग मानी जाएगी, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल कूलिंग है, ये एक्चुअल कूलिंग डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल कूलिंग, मैक्सिमम पॉसिबल कोई कहे तो क्या होगी? TC1 - TWH। मेरा कहने का ये मतलब है, आप वेट बल्ब टेम्परेचर से कम नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम कूलिंग होगा जो वाटर इन कर रहा है और वेट बल्ब ए टेम्परेचर का जो अंतर है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी जो निकल गई वो निकलेगी एक्चुअल कूलिंग अपॉन में मैक्सिमम पॉसिबल कूलिंग, तो TC1 - TC2 डिवाइड बाई TC1 - TWB। तो हमने इस कूलिंग टावर के असेसमेंट में अप्रोच को डिस्कशन करा, रेंज को डिस्कशन किया और कूलिंग एफिशिएंसी को डिस्कशन किया। यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किसी भी कूलिंग टावर के असेसमेंट को डिफाइन करो, तो आपको किसी भी कूलिंग टावर के असेसमेंट को डिफाइन करने के लिए उसको तीन टर्म समझानी पड़ेगी, एक रेंज, एक अप्रोच, एक कूलिंग एफिशिएंसी। और ये जो डायग्राम है इसको आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अच्छे कूलिंग टावर की में रेंज हाई होती है, अप्रोच लो होनी चाहिए और कूलिंग एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमारे सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक है ड्राई कूलिंग टावर, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब ये ड्राई कूलिंग टावर कहाँ यूज होता है? जहाँ पर आपको कूलिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। द ड्राई कूलिंग टावर आर एम्प्लॉयड वेयर कूलिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी। मतलब आपका यदि कूलिंग वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई कूलिंग टावर का यूज कर सकते हो। इट ऑपरेट बाय द हीट ट्रांसफर थ्रू ए सरफेस दैट सेपरेट द वर्किंग फ्लूइड फ्रॉम एम्बिएंट एयर। ये जो हीट, इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है, आपने पहले जो जितने भी कूलिंग टावर पढ़े उसमें क्या हो रहा था कि वाटर और एयर आपस में मिक्स हो रही थी। यहां पर जो भी कूलिंग टावर ऑपरेट होंगे वो एक सरफेस से सेपरेट होंगे। मतलब आपका एक फ्लूड है वो किसी सरफेस के अंदर लाइक ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा, दूसरा जो फ्लूड है वो ट्यूब के बाहर फ्लो करेगा, वो आपस में मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। सच एज इन द ट्यूब ऑफ एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर यूटिलाइजिंग कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर।
इसका कहने का मतलब है कि ट्यूब हीट एक्सचेंजर, जैसा कि आपने हीट एक्सचेंजर में पढ़ा है कि आपका एक ट्यूब के अंदर एक फ्लूड फ्लो करता है, उसके बाहर दूसरा फ्लूड फ्लो करता है। जो हीट ट्रांसफर होता है वो इवोपरेटिव हीट ट्रांसफर नहीं होकर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होता है। दे डू नॉट यूज इवोपरेशन हेयर, हेंस द कंजम्पशन ऑफ मेकअप वाटर इज मिनिमल। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस हो रहा है वो इवोपरेटिव प्रोसेस नहीं होके कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण आपका जो मेकअप वाटर है वो मिनिमल यूज होता है। टर्बाइन एग्जॉस्ट स्टीम फ्लोज इनटू ए लार्ज स्टीम हेडर एंड देन टू ए लार्ज नंबर ऑफ फिन ट्यूब। यहाँ पर आप हेडर देख पा रहे हैं, जो भी आपकी स्टीम है टर्बाइन जो एग्जॉस्ट करती है वो यहाँ पर इस हेडर में एंटर करती है। हेडर में एंटर करने के बाद वो लार्ज नंबर ऑफ फिन ट्यूब से फ्लो करती है और उस ट्यूब के बाहर एयर फ्लो करती है। दिस फिन ट्यूब्स आर कूल्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर ब्लोन ओवर द ओवर देम बाय एन फोर्स्ड रोट फैन। ये जो फिन ट्यूब्स है ये एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा कूल की जाती है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर उन ट्यूब्स के ऊपर फ्लो करती है। सो द एग्जॉस्ट स्टीम इज कंडेंस्ड बाय द ट्रांसफरिंग द हीट टू द फ्लोइंग एयर आउटसाइड द सरफेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एग्जॉस्ट स्टीम में अपनी जो हीट है वो उस सरफेस के थ्रू एयर, जो फ्लोइंग एयर है उसको ट्रांसफर की जाती है, वो फ्लोइंग एयर जो हीट एक्सचेंजर की सरफेस के आउटसाइड फ्लो करती है। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर ड्राई कूलिंग टावर के बारे में डिस्कशन किया, उसके साथ साथ हमने किसी भी कूलिंग टावर के असेसमेंट को डिस्कशन किया। तो आज हमारा ये चैप्टर जो कूलिंग टावर है और एयर पंप है ख़त्म होता है, और अब हम नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।